काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड की है, बड़ी मेहनत की है। अगर हो सके तो वीडियो फुल वॉच करना और कमेंट ज़रूर करना। गर्म ही कर लेना अपनी थोड़ा सा तेल ला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एक्स्ट्रा देसी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सीधी सी बात है, नेट पैकेज नहीं होता, काम के हालात डाउन है और दूसरा मेरे मोबाइल का रिजल्ट भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाई है। तो आप मोबाइल का रिज़ल्ट देख रहे हैं कि मोबाइल का रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप इंजॉय करेंगे, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और लाइक और ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करनी है जी। हम नीचे से आ रहे थे ये सामान उठाकर, तो भाई ये कितने वजन की होती है? तकरीबन 30 किलो। 30 किलो की होती है। और ये जो है रॉड, इनको बोलते हैं बर में, हम इनको कहते हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं? हम बर्मे। एंड आप? बर्मे। आपका नाम? अतीक गुरु। माशाल्लाह। एंड आपका नाम? मोहम्मद यासिर। ये इनका तारफ तो हो गया, मुझे तो आप जानते ही हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे काफी आराम कर लिया, अब आगे चलते हैं मंजिल की तरफ। तो मंजिल हमारी इस तरफ है और हर तरफ धुंध जो है छाई हुई है। हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, ऊपर की तरफ। ऊपर जाकर फिर नीचे उतरेंगे और फिर काम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हो सके तो मेरी पुरानी वीडियो को भी देख लिया करें। काफ़ी वीडियो हो चुकी हैं पर मुझे कामयाबी का कोई फ़िलहाल रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जहाँ पर हमारे दोस्त आ रहे हैं। बहुत ही जो है ये मशीन बहुत वज़नी होती है, जहाँ पर इन्होंने सामान उठाया और मैंने भी उठाया हुआ है एक बर्मा, जिसे इस राड कहते हैं, बहुत बड़ा। एक मरतबा फिर हमने स्टे किया है यहाँ पर, आराम करेंगे थोड़ा, फिर आगे की तरफ जाएंगे। तो फाइनली इन्होंने तो रख लिया है सामान, अभी ये मैं रखने वाला हूँ और ये मैंने रख दिया। देखिए कितना बड़ा है। तो काफ़ी मेहनत का काम होता है ये, आपको पता ही होगा, हार्ड वर्किंग। ठीक है, अगली तरफ भी देखते हैं। म्याँ। जी अब हम नीचे उतरने लगे हैं और आपको ये बता दें कि वीडियो में कहीं कहीं शोर है, जिसकी वजह से काफ़ी समझ नहीं आती, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बाकी ये भी कह दूँ डिस्क्लेमर, मेरी तरफ से वीडियो में किसी किस्म का कोई म्यूज़िक नहीं है, ये मशीनों का शोर है, जो कि बड़ी बड़ी यहाँ पर मशीनें होती हैं उनका शोर होता है। या आप नीचे देख रहे हैं कि आपको कुछ नज़र नहीं है, लेकिन धुंध की वजह से जो आपको कुछ नहीं नज़र, लेकिन फिर भी ना नीचे मशीनों का शोर होता है, लिहाजा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा एक जवान नीचे की तरफ जा रहा है। अक्सर औकात हमारे इस पाइप डिस्क्लेमर, ये मशीनों का शोर है, कोई म्यूजिक नहीं है, लिहाजा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। थैंक यू। पाइप को पत्थर लग जाता है, पत्थर लग जाता है और इसको जोड़ लगाना पड़ता है। ये उस्ताद हमारे हैं, जोड़ लगा रहे हैं। ये हमारे उस्ताद हैं। उस्ताद इस वक्त बहुत परेशान है, यहाँ पर शोर भी बहुत ज्यादा है मशीनों का और नीचे हमने आग भी जला रखी है। आग जलाने का इसलिए होता है कि
पाइप जो है बहुत कड़क होता है, इसको नरम करना पड़ता है, ऐसे ही है ना? शकल रखी मेरी सामने देखी तेरी वीडियो जो यूट्यूब पे शो हो मेरी शकल सामने। निकाब वाले जरा हटाना निकाब तो सलमान भाई हटाना बैग। दिलावर क्या किस्ता क्या किनेस्ता ओ खाना टाकी रबड़ा बड़ी बन रही टाकी दे टाकी 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 नलकी किधर है? गरम ही कर लेना अपनी थोड़ा सा तेल गरम सही होया ये उस्ताद पैप को पैप में जोड़ रहे हैं जबकि पैप कट गया था। ये वाला टोटा इसके साथ ये आप क्लिक करें म्यूजिक क्लिक करें कैमरे के सामने ना। अभी उस्ताद को काफी सांसें फूल चुकी हैं। अच्छा एक मरतबा ऊपर वाला काम ख़त्म करने के बाद हम नीचे आ गए और नीचे खाना खाने के बाद इंशाल्लाह दोबारा से सामान लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे। खाना खाने के बाद हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं जबकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ दोस्तों की वीडियो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि किस तरह मेहनत कश मजदूर जो हैं साजो सामान लेकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। छानी चल रहा है
माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी यहाँ रुका हूँ और ये कैप्चर करने के लिए आपको दिखाने के लिए। तो ये हम कुछ साजो सामान ऊपर लेकर जाते हैं, जरूरत पड़ती है। हैदर कैसे है? इधर देखेगा हा? बच्चा मैं खड़े हो जाते। कैसे हो? अच्छे यार। ये है मजदूर की जिंदगी, मुश्किल हालात में भी समझौता करना पड़ता है। आ गए हो जवान? आ गए हैं। कैसे हो? फिट? जवान पहुंच गए हो? आ जाओ। आ रहे हैं। पहाड़ी के ऊपर अमरूद खा रहे हैं। मैं अकेला नहीं, सभी खा रहे हैं। उत्ते बूटा लगो है। मैं तो लगा रज क्यों, एक अमरूद खादा, एक चोरी से खादा, एक तल्लो खादा। उत्तो ही खादे ही। हाँ तल्लो चलो। बात ना चढ़ो नहीं दिता चढ़े अभी हमारा काम खत्म हो चुका है और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप नीचे का मंजर, और यहाँ पर सूरज गुरूब हो चुका है, यानी कि सूरज दूसरे मुल्क में, यानी कि दुनिया में, सॉरी मुल्क में चला गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
उजाला है अभी और हम नीचे उतरने वाले हैं। तो अभी हम सब नीचे उतर रहे हैं, आपको सामने वो दूर नज़र आ रहे होंगे आदमी, वो पहले उतर चुके हैं, मैं पीछे हूँ। तो इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा इन सब से मैं आगे निकल जाऊँगा अल्लाह ने चाहा। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो देखते देखते, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और भी बात बता दूं, कभी कभी तो हम इस टाइम भी काम कर रहे होते हैं और तारों की छांव में उतरते हैं, इतने लेट हो जाते हैं, नीचे जो है बत्तियां यानी कि लाइटें जल जाती हैं, काम को फिनिश करना होता है, ख़त्म करना होता है, इसलिए लगे रहते हैं। वगरना किसका दिल करता है कि रात को पहाड़ी के ऊपर हो, और इतना दुश्वार गुजार रास्ता जहाँ से उतरना बहुत ही मुश्किल है, और रात को अंधेरे में जहाँ से उतरे, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है। अल्लाह ने हिम्मत दी है तो करते हैं, नहीं तो हम तो हिल भी ना सके उनके अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर। हर वक्त तुम्हें यही शौक है, तो मैंने उसे जवाब नहीं दिया। अभी दो मिनट के बाद जो है इजाने होना शुरू हो जाएंगी, इजाने, क्योंकि शाम का वक्त होने वाला है। नारा तकबीर, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उन सबको मैंने पीछे छोड़ दिया। हैदर खान सरंगे तगड़ा रिकॉर्ड करी थी लोगों को इजाने सुनाने का, इजाने सुनाने का बांगो पहचानता है आप, अब बांगो पहचानता है। आपका बहुत शुक्रिया, अगर आपने फुल वीडियो वॉच किए तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप पर मेहरबान हो, और दुआ कीजिएगा कि मुझे नया मोबाइल जो है मैं ख़रीदने लायक हो जाऊँ। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।